ट्रॉफी के लिए 46 दिन 10 टीमों के बीच होगा घमासान। जानिए वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 30 मई से शुरू होगा। इस बार चैंपियन बनने के लिए 10 टीमें के बीच बढ़त होगी। राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट के तहत होने वाला ये टूर्नामेंट 46 दिन चलेगा और इस दौरान 48 मैच खेले जाएंगे। राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट क्या होता है, आइए जानते हैं। राउंड रॉबिन और नॉकआउट फॉर्मेट में सभी टीम आपस में मुकाबला खेलती हैं और 2019 विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये सभी एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। यानी सभी 10 टीमों को 9 मैच खेलने होंगे और टॉप की 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके बाद यहाँ नॉकआउट दौर स्टार्ट हो जाता है। एक मैच हारते ही टीम का टूर्नामेंट से पत्ता साफ। पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर रहने वाली टीम नंबर 4 से और नंबर 2 पर रहने वाली टीम नंबर 3 के आपस में भिड़त होती है। दोनों मैचों की विजेता टीमों को फाइनल खेलने का मौका मिलेगा और 14 जुलाई को दुनिया का वर्ल्ड कप चैंपियन मिल जाएगा। ये हैं 10 टीमें। इसमें मेजबान इंग्लैंड के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज शामिल है। पहला सेमीफाइनल 9 जुलाई मैनचेस्टर दोपहर 3 बजे, दूसरा सेमीफाइनल 11 जुलाई बर्मिंगम दोपहर 3 बजे, फाइनल 14 जुलाई लंदन लॉर्ड्स दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। आइए जानते हैं भारत के कब कब मैच होंगे। भारत और बनाम साउथ अफ्रीका 5 जून, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 9 जून, भारत बनाम न्यूजीलैंड 13 जून, भारत बनाम पाकिस्तान 16 जून, भारत बनाम अफगानिस्तान का मैच 22 जून को खेला जाएगा। आइए जानते हैं उसके बचे हुए मैचों की डिटेल। भारत बनाम वेस्टइंडीज 27 जून, भारत बनाम इंग्लैंड 30 जून, भारत बनाम बांग्लादेश 2 जुलाई, भारत बनाम श्रीलंका 6 जुलाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता चल सके।